काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। टेली प्राइम के इस अध्याय में हम बताएंगे बिल में डिफॉल्ट क्रेडिट डेज या ड्यू डेट कैसे प्रिंट करें। इसके पहले की 6 वीडियोस में हमने आपको डिटेल में बिल वाइज एंट्री ऑप्शन और उससे संबंधित रिपोर्ट्स के बारे में बताया था। इन्हीं के बीच हमने आपको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड के बारे में भी बताया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हम किसी पार्टी का सेल्स बिल प्रिंट करते हैं और यदि उसमें क्रेडिट पीरियड दिखाई नहीं देता है, यानी कि प्रिंट नहीं होता है, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उनका क्या हल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले हम एक कस्टमर सन एंटरप्राइजेस का लेजर बना लेते हैं। इसमें हम डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में 15 टाइप कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जब इस कस्टमर का बिल प्रिंट हो तो उसमें इस तरह क्रेडिट डेज भी दिखाई पड़े। आइए अब सन एंटरप्राइजेस का एक सेल्स बिल बना लेते हैं। अब जब हम बिल सेव करने से पहले इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्रेडिट डेज दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो पहले हम एस्केप की से वाउचर पर चलते हैं। अब हम एंटर प्रेस करते हुए बिल सेव कर लेते हैं। अब सेव किए हुए बिल का प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्रेडिट डेज दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, क्रेडिट डेज प्रिंट न होने का एक कारण तो ये हुआ कि यदि हम बिल को सेव किए बगैर प्रिंट लेते हैं तो क्रेडिट डेज प्रिंट नहीं होते हैं। दूसरा कारण देख लेते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि बिल में क्रेडिट डेज की कोई जानकारी नहीं होती। ऐसी स्थिति में हमें बिल को प्रिंटिंग के लिए कॉन्फिगर करना होगा। उसके लिए सी प्रेस करें। लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में देखिए शो बिल वाइज डिटेल्स ऑप्शन नो है, उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब ये देखिए ये ऑप्शन यस हो गया है। अब एस्केप की से वापस पीछे चलते हैं और प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए अब क्रेडिट डेज दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए अब दूसरी बात समझ लेते हैं। यदि आप चाहते हैं कि बिल में ऊपर दिखाई पड़ रहे मोड ऑब्लिक टर्म्स ऑफ पेमेंट में भी क्रेडिट डेज या ड्यू डेट दिखाई पड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हम एक नया सेल्स वाउचर ओपन कर लेते हैं। अब सेल्स वाउचर पर रहते हुए ही हमें F12 प्रेस करना होगा। अब यदि यहाँ दिखाई पड़ रहे प्रोवाइड डिस्पैच ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट डिटेल्स और प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स ऑप्शंस यस हैं, तो ठीक है, और यदि नो है तो इन्हें यस कर लें और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। चलिए अब सेल्स वाउचर बनाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स आ रही हैं। अब जैसा कि आपको ध्यान होगा, हमने सन एंटरप्राइजेस का लेजर बनाते समय डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड में 15 टाइप किया था। अब यदि आप क्रेडिट पीरियड 15 ही रखना चाहते हैं और मोड टर्म ऑफ पेमेंट्स के आगे अपने आप 15 डेज लिखा आ रहा है, तो ठीक है, नहीं तो आप खुद 15 डेज टाइप कर दें। और यदि आप 15 की जगह मान लीजिए कस्टमर को 30 डेज की क्रेडिट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप 30 डेज टाइप कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि डेज की जगह 30 दिन के हिसाब से जो ड्यू डेट आती है वो दिखाई पड़े, तो यहाँ पर वो डेट टाइप कर दें। हम 1 जनवरी 2022 को बिल बना रहे हैं, इसलिए 30 दिन के हिसाब से इस बिल की ड्यू डेट होगी 31 जनवरी 2022। तो यहाँ पर हम 31 जनवरी 22 टाइप कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए ड्यू डेट और क्रेडिट डेज में
ड्यू डेट और डेज दोनों ही दिखाई पड़ रहे हैं। यदि नहीं दिखाई पड़ रहे हो तो यदि आपने मोड टर्म ऑफ पेमेंट्स में डेज टाइप किए थे तो यहाँ भी डेज टाइप कर दें, और यदि ड्यू डेट टाइप की थी तो यहाँ भी ड्यू डेट टाइप कर दें। अब बिल को एक्सेप्ट कर लें। चलिए अब इस बिल का प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए दोनों जगह पर ड्यू डेट आ रही है। ध्यान रखें यदि आपने डेज टाइप किए होते तो दोनों जगह पर डेज लिखे हुए होते। यहाँ पर हम आपको एक और खास बात बता दें कि आप चाहें तो मोड टर्म ऑफ पेमेंट्स में क्रेडिट डेज या ड्यू डेट की जगह पर पेमेंट से संबंधित कुछ और भी बात लिख सकते हैं। जैसे कि यदि हमें इस बिल का एडवांस पेमेंट प्राप्त हो गया है तो हम मोड टर्म ऑफ पेमेंट्स के आगे एडवांस पेमेंट टाइप कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि क्रेडिट डेज टाइप करने पर बिल में ड्यू डेट ऑटोमेटिकली आ जाए तो उसके लिए आपको टेली कंपनी से एक एड ऑन फीचर परचेस करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।